ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। अमृतसर स्पैशल टास्क फोर्स ते गैंगस्टरां विचकार होए मुकाबले दौरान तीन अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार किया गया, जिन्हां विच सिमरनजीत उर्फ गग्गी ते उसके साथी बलराम सिंह गुरजीत सिंह निवासी बरनाला शामिल ने। गैंगस्टरां दे कब्जे विचों 315 बोर की एक राइफल, 32 बोर की एक पिस्टल तो इलावा एक होर राइफल बरामद हुई है। फड़े गए मुलजिमां ने पिछली 19-20 फरवरी की दरमियानी रात बरनाले के बदौड़ इलाके विच जगियाना पिंड दे रहण वाले राज बहादुर दे घर अन्नेवा फायरिंग की थी, जिस नाल उक्त गैंगस्टरां दी पुरानी रंजिश चल रही थी। राज बहादुर दे घर विच ना होण कारण उसका बचाव हो गया सी। वारदात उपरंत उक्त गैंगस्टर वख-वख इलाकियां विच लुकण दा टिकाणा खोज रहे सी, पर इस दी भणक एसटीएफ नूं लग गई। आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने तुरंत टीमां दा गठन कीता अते गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करन दा ऑपरेशन शुरू कर दिता। एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है, जिस गैंग का लीडर है सिमरनजीत सिंह एलियास गग्गी। गग्गी के दोस्त साथी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके पास से कई फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें पिस्टल और रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। और इस गैंग ने बरनाला ज़िले के भदौड़ में 19 और 20 तारीख की मध्य रात्रि को एक घर में, मतलब उनके घर के सामने जाकर के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी पर्सनल राइफलरी के तहत। 19 और 20 फरवरी की बात है, तीन दिन पहले की बात है। तब से एसटीएफ इनके पीछे लग गई थी। जिला पुलिस की मदद से हम लोगों ने इस गैंग के मेन लीडर जो गग्गी है उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जैसे वो यूज कर रहे हैं हम भी यूज कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हम भी ले रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम उनको ट्रैक जरूर कर रहे हैं और उससे हमें भी आसानी हो रही है। आने वाले दिनों में और कुछ खास बड़ी कार्रवाई, आने वाले विक्की गोंडर की बात की जाए, देखिए आने वाले दिनों में हम जो अब गैंग बाकी रह गए हैं उन गैंग को गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनके केसों का सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करने का प्रयास करें।